भाई भाई गेट ओपन। ओ भाई भाई अंदर है, अंदर है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, और आदमी उठ गया सामने भाई। ओ भाई 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 वो क्या है? अच्छा भाई, और वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? क्या यार आदमी है वो रूम में जा रही है। ओ वो अंदर ही, अंदर ही है, थोड़ी अंदर ही, अंदर ही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे ब्लॉग्स पे, और हाजिर है आपका भाई राधे। और आप सोच रहे होंगे कि यार सामने कौन है, तो बहुत से मेरे भाई तो जानते होंगे। मैं बता दूं, जो भी नहीं जानते उन लोगों को भी, कि यार ये है जो कैमरे के पीछे होते हैं अक्सर मेरी वीडियो में, ठीक है। इनका नाम है अपने अज्जू भाई, ठीक है। बहुत सारी लोकेशन ऐसी होती है दोस्तों, जहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यार मेरे से ज़्यादा जो रिस्क है, जो खतरा है, वो होता है कैमरामैन को। क्योंकि अभी भी जो मेरा भाई कैमरे पे है, ठीक है, अपने मोनू भाई, उसको इतना भी नहीं पता कि पीछे से कोई स्पिरिट, कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो सकती है। मैं तो सामने हूँ, मेरे को तो लाइटिंग में सारा दिख रहा है, लेकिन खतरा कैमरे के पीछे वाले बंदे पे होता है। तो ये है अपने भाई अज्जू, ठीक है। और इनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। आओ अज्जू भाई, वैसे तो ये भी इस फील्ड में काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं और काम कर चुके हैं, लेकिन क्यों ये पीछे हटे थे, क्यों इन्होंने वीडियो बनाना बंद करा, उसका कारण ये खुद बताएंगे। तो बात करो अज्जू भाई से, और ये भी कुछ आपसे कहना चाहते हैं। तो गाइस सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजर और ऑफिशियल द आरजे व्लॉग के अंदर। तो गाइस मेरा जो कोई नहीं, सही भैया, जब ऐसी लोकेशन पे पहुंचे तो आवाज तो आना जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आनी है। तो गाइस बहुत टाइम से चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, वो वीडियो नहीं आने का कारण यही था कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तो बहुत टाइम बाद में आज राधे भैया की वजह से, ओनली फॉर राधे भैया की वजह से मैं वापस शूट पे आया हूँ। क्योंकि राधे भैया का मुझ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, राधे भैया ने बोला कि आप वापस चलो और अपने चैनल पर वापस कंटिन्यू वीडियो अपलोड करो। तो गाइस कम से कम 6 या 7 मंथ हो गए वीडियो अपलोड हुए, तो राधे भैया कहने पर मैं वापस आया हूँ इसी लोकेशन पर। और पिछली बार भी हम इस लोकेशन पर आके गए थे, बट मौसम खराब हो गया था शायद उस टाइम, बहुत भयंकर मौसम हो रहा था, बहुत भयंकर मौसम खराब हो गया था, तो इसी वजह से हम यहाँ से जल्दी निकल गए थे। तो इस लोकेशन पर आने का एक यही रीज़न है कि जो चीज़ हमें उस टाइम दिखी थी, वो उस चीज़ को हम सही से बात नहीं कर पाए थे, उसके साथ में जो हमें हम सोच के आए थे हमें करना क्या है, वो हम चीज़ें यहाँ पे कर नहीं पाए थे, इसलिए हम आज वापस आए। और ये जो सामान मेरे हाथ में है, इसके बारे में आपको राधे भैया बताएंगे कि किस चीज़ में आपको यहाँ इस लोकेशन पर काम में लेंगे। यार आगे की बात करने से पहले एक हाथ जोड़ के, ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी मेरे भाई है, लगभग 1,58,000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे प्लस ही है उससे, उन सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार जितना प्यार मेरे को दिया, ठीक है, जितनी वीडियो मेरी वॉच करी या जितनी शेयर करी, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई अज्जू के लिए भी उतना ही करना है। पार्ट फर्स्ट आपको मेरे चैनल पे दिख रहा है ये, ठीक है, इसी वीडियो का पार्ट टू ये वीडियो आपको मिलेगी अज्जू भाई के चैनल पे। और जो भाई अज्जू भाई के चैनल का नाम नहीं जानते उसको मैं बता दूं, पहले चैनल का नाम है एजे हॉरर व्लॉग, ठीक है, ऑफिशियल। उसके अलावा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अज्जू भाई की वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली भाई के चैनल पे पहुँच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि अज्जू भाई के हाथ में एक थैली देख रहे होंगे, मैं आज यहाँ पर लेके आया हूँ कुछ सामान, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे बढ़ने के बाद। कहानी की बात करें तो लगभग तो सबको आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये जगह थी एक कब्रिस्तान, एक बीमारी आई थी ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी जिसे कहते थे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जब उसके कुछ पेशेंट ज़्यादा होने लग गए, ये बीमारी ज़्यादा बढ़ने लग गई, ये एक वायरस था एक तरीके से, तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो हॉस्पिटल था इस बीमारी के इलाज के लिए, उसको सिटी से बाहर बनाया, जंगल के बीचों बीच, कि यार इस बीमारी से दूसरे लोग संक्रमित ना हो, ये वायरस फैले नहीं, किसी को भी बीमारी है तो उसे एकांत में रखे, जैसे कोरोना वायरस था आप लोगों ने देखा होगा, वैसी बीमारी थी। लेकिन
उनको पता नहीं था कि जहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है ना, वहीं पे पहले से कब्रिस्तान है। कुछ पेशेंट ठीक हुए भी थे, कुछ रिकवर हो रहे थे, बट रात होते ही सबको कुछ न कुछ दिखाई दे जाता था। कभी कोई लेडी की आत्मा, कभी कोई छोटा बच्चा, कभी कौन। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और जो बंदे रिकवर होके लगभग उनको डिस्चार्ज होने वाला था, उनको छुट्टी मिलने वाली थी, उनको जस्ट छुट्टी से 2-3 दिन पहले रात को कोई हादसा होता है उनके साथ और उनकी मौत हो जाती थी। एक दौर तो ऐसे आ गया कि एक नाइट में लगभग 4-4 मौतें होने लग गई। उसके बाद उसको बैन कर दिया गया यहाँ से, वो बीमारी का इलाज भी मिल चुका था। तब से कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे मरे ना, उनकी आत्माएं इसी बाउंड्री में भटकती हुई दिखाई दी। तो बिना वीडियो को बोरिंग करे आगे बढ़ते हैं और फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि यार मैंने जो कहा कि भाई के चैनल को सपोर्ट करना है, तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार जाके चैनल वॉच जरूर करना और भाई की रिसेंटली की जो पीछे की वीडियो है वो भी वॉच करना कि भाई कैसी कैसी लोकेशनों पर गए हुए हैं। चले जी भाई, अभी कैमरे पे अपने मोनू भाई, आप इनको मोन सा भी दे सकते हो प्यार से। ये पहला रूम है दोस्तों इसका बना हुआ, ठीक है। ये अंदर से टूटा हुआ है इस वजह से मैं आपको अंदर ले जाके दिखा नहीं रहा। इधर की बात करें तो ये जो गाड़ी दिख रही है ना आपको, चारों तरफ केवल और केवल जंगल है। राधि भी आवाज आ रही है, राधि भैया इसमें कैमरे में कैप्चर हुआ है बिल्कुल, कोई है अंदर। दोस्तों जस्ट इस रूम के बाहर आते ही गेट बंद हो गया। राधे भैया आगे मत जाओ, हम यहाँ पे आए हैं लेकिन आप हमें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राधे भैया जो भी है बहुत भयंकर गुस्से में है। और भाई ये चीजें एक तरीके से मैं कहूँ ना गुस्सेल ही होती है। इनको नहीं पता कौन सा बंदा कैसा है, इनको बस ये पता है कि ये यहाँ पे आ गए ना तो अपने को परेशान। ओह भैया गेट ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है भैया, गेट ओपन हो रहा है। अजी भाई, कोई ना कोई तो है अर्जु भाई, नाम कसम से। भाई भाई गेट ओपन, ओ भाई भैया अंदर है, अंदर है राधे भैया, अंदर है भाई, कुछ चीज़ें अंदर भाई, कैमरे में कैप्चर हुई है। ओ भैया भैया भाई किसी का मुंह था कसम से भाई, मैंने खुद ने देखा भाई, अरे खुद ने देखा। भैया भैया अंदर मत जाओ, आगे लाओ कैमरा, आगे जाओ भाई, आगे जाओ। अंदर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं, घबराना नहीं है। अरे भैया अंदर से यार भाई चारों तरफ कैसा दोस्तों, ये जो देख लेते हैं ना, ये हुआ करते थे बाथरूम, ठीक है। और जो ज्यादा संक्रमित होता था ना उसी बंदे को पर्सनल ये रूम दिया जाता था। और जहां तक मेरे को ये किसका निशान है, ओ भाई ये किसका निशान है। दोस्तों इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है फिर भी ऐसे वीरान पड़ी है, गेट बंद हुआ लेकिन चीज मुझे भी है अभी तक। ये बोलो भाई अंदर आके एक बार दिखा दो, पहले पेपर काम कर दिए यार, ठीक है। कंडीशन देखो यार चारों तरफ जाते जाते हैं, कोई इधर से मधुमक्खी की आ रहा है, अंडे दे रखे हैं लेकिन फिलहाल अभी यहाँ है नहीं। राधे भैया किस रूम से निकलते हैं यार, मेरे को डर लग रहा है यार। मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो ड्रामी चीज है वो है यहाँ के दो होल बने हुए जहाँ पे जो लोग मर जाते थे ना उनका पोस्टमार्टम होता था, उनके शरीर की जो चीजें थी ना जो काम आने वाली वो शरीर को काट के बाहर निकाला जाता था। और अक्सर
वहीं पे हमें आत्माएं दिखाई दी है और वहीं से आप आवाज आ रही है, भी आवाज आ रही है, घबराना नहीं है ठीक है। मोनू भाई ये लाइट है ना हमारी आंखों में पड़ रही है तो ना हमें इतना ज्यादा नजर नहीं आएगा, बट आपको ध्यान रखना है चारों तरफ में। ये तो जैसा कि मैंने कहा था ना, और बहुत से मेरे कुछ भाई हैं जिनको जानकारी होगी, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे एलोवेरा ठीक है, लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं गवार पाटा, और ये अक्सर उसी जगह होता है जहाँ पे ऊपर से वो अंदर की तरफ जगह खाली हो, ऊपर से कुछ पत्थर रख के ढका हुआ हो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि कब्र एक ऐसी होती है कि नीचे से धीरे धीरे बारिश का पानी जाता है ना, वो खाली होने लग जाती है और ये चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे उग जाते हैं भाई। यहाँ पे एक अच्छा तो मेरे कहने का मतलब ये है, अज्जू भाई और मोनू भाई दोनों अलर्ट रहना, ये गलती मत करना कि कोई पत्थर पे आप पाँव रख दो ठीक है। ठीक है, अपन किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते, शायद गलती से कोई चीज़ अपने को दिखे और भागा दौड़ी में अपना पाँव उस पर लग जाए, ये सेफ्टी बरत के चलना है। और आज हो सके दोस्तों अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, और आदमी भी हो गया सामने भाई, वो भाई 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 वो क्या है अच्छू भाई, आगे 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 लाइट, पर वो क्या है, वो क्या है, वो क्या भाई लाइट लेके आओ आगे, क्या यार आदमी है वो, वो 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 रूम में जा रही है, रूम में जा चुकी है, रिकॉर्ड हुई ना भाई, हां रहा आदमी है, कैमरे में कैप्चर हो गई वो भाई, ये आपको ये रूम में पहले वाला हॉल यही है, टाइम वेस्ट कर रहे आज, ये जो थैली में सामान लेके आए ना, ये करने के बाद अगर कोई भी स्पिरिट अपने आसपास होगी ना, उसे मजबूरन अपने सामने आना होगा और इस जगह से बाहर निकलना होगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें मैं लेके राधे भाई, वो अंदर गई है, अंदर गई वो, इस रूम भाई चलना तो पड़ेगा, पर अंदर पर ध्यान रखिए भाई, रज में कोई दिक्कत नहीं हो जाए अंदर चलने से, इस तरफ आ जाओ आप सामने 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 कोई आवाज आ रही है, ओए वो अंदर ही अंदर ही है, वो था थोड़ी अंदर ही अंदर ही है, क्या चीज है यार हवा में मस्त उड़ रहा है, तुझे देखना वो तो चीज है जी भाई, भाई कोई धुआं जैसा था है ना, ओ स्मेल भी आ रही है अंदर से है ना, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो ऐसी स्मेल है ना, क्या क्या चीज है यार आदि भैया, धुआं थी ना मोनू भाई, हाँ आदि भैया बिल्कुल धुआं थी अंदर, एक एक चीज को सही से कैप्चर करना यार भाई, जो भी है इस दीवार के पास में ही है यार आदि भैया, अंदर ही कुछ चलचल हो रही है, हाँ आदि भैया अंदर ही सही में अजीब सी महक आ रही है, महक भी आ रही है यार आदि भैया, यहाँ से चलते हैं अपन आदि भैया, नहीं 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 आदि भैया कोई दिक्कत नहीं हो जाए यार, नहीं भाई ये चीज करे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, वरना बार बार इस लोकेशन आने का मतलब रहेगा नहीं यार, ये क्या चीज यार आदि भैया, जानवर की है, किसकी है यार, पहले ये देखोगे इसमें वो चीज देखते हैं, बहुत जोरदार आवाज लगे अंदर आने की बात है, अपने ऊपर हमला करने लग गई यार, भाई सतर्क रहना, जब तक अपन इस होल के अंदर है ना 17 चीजें अपने ऊपर हमला करने की कोशिश करेगी, मोनू भाई स्पेशली आप ध्यान रखना, आंखें सामने के बजाय चारों तरफ भी रखना है यार, आदि भी है क्या है यार, आदि भैया कोई अंदर भी था अभी, जो काम करने हैं ना आप तेरे को करते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, या तो अपने को कुछ ना कुछ हानि पहुंचे कि रिस्क है, लेकिन रुझुमा करना पड़ेगा, और आदि भैया चलते हैं यार यहाँ से, यार आदि भैया क्या बता अपने ऊपर वो हमला कर दे या क्या कर दे यार, ऐसा कुछ भी होगा ना मोनू भाई, अगर आपको लगे कि आपको खतरा लग रहा है यहाँ पे आप निकल जाना, हमें छोड़ के बोले ठीक है, लेकिन जब तक कुछ ऐसा ना हो आप हिलोगे नहीं यहाँ, फटाफट सामान दोगे बोले कम अपने पास, क्योंकि लगभग 10 या 15 मिनट ही बचे हैं अपने पास, रोशनी बढ़ा के रखो
लाइट को थोड़ा सा तेज कर लो अभी। दोस्तों अक्सर क्या होता है यार, लाइट इतनी तेज होती है कि हमारी आंखें नहीं खुल पाती, इस वजह से कम करना पड़ता है। अजू भाई फिर से कह रहा हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। अपन जो काम कर रहे हैं ना वो है रिस्की, लेकिन इसके अलावा अपने पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि बार बार अपन इस जगह इतनी दूर आ भी नहीं सकते। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है और ये क्या करने वाले, तो ये बता दूंगा, ये है दोस्तों कुमकुम, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसकी महक इतनी खतरनाक होती है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी अपने आप खींची हुई आ जाती है इसकी खुशबू को, शायद सुन के या फील करके। सुन भाई, घबराना नहीं है, बस थोड़ी देर आपको अलर्ट रहना है, ये ध्यान रखना है कि हो सके वो चीजें यहीं कहीं आसपास आ जाए और अपने को दिखाई ना दे। भगवान थोड़ा सा हमारे लिए सेफ्टी रहते, ठीक है मोनू भाई। Please like and subscribe Horror Ring channel. अंजू भाई बिल्कुल भी डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। धर्म की रक्षा करना चालू हो गया। मोनू भाई जब हम यहाँ बैठ के कुछ मंत्रों का उच्चारण करें ना, उस टाइम आपको लाइट बंद करनी है। दोस्तों उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि अगर हम लाइट बंद नहीं करेंगे तो ये चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि ये अंधेरे में ही सामने आ सकती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा लाइटिंग में ये चीजें नजर आती है, लेकिन उसके बाद से दिखना बंद हो जाती है। मोनू भाई ये काम करना है आपको, ठीक है राजीव। जैसे गुरुदेव की बताई हुई सीधी स्टार्ट करें ना, आपको लाइट बंद कर देना है। हो गई तो अजीब नहीं लग रही, बार बार ये बंद हो रही है, एक सेंटर वाली है ना, सेंटर वाली बंद हो रही है, बाकी भी सारे बंद हो रही है। जब सारी मोमबत्ती अगर बंद हो जाए ना जो भाई, बिना सोचे समझे ऐसे निकल लेना, ये ध्यान रखना है। मोहन भाई एक बार पास में आके दिखा दो, अजीब सा फील हो गया मेरे भाई अभी से, ठीक है। जो भाई तैयार है, बेटर जो काम करना है वो काम करते हैं। ठीक है राजीव, अजू भाई खरा स्टार्ट करना।
ओम नमो आदेश गुरु का। जो भी यहाँ पे पूरी आत्मा है वो हमारे सामने आओ। अरे कोई है अंदर? भाई अरे आराधी भी आपके पीछे पे? आपके पीछे थी यार। हाँ अंदर बैठ रहा थी यार। भाई यार मोनू भाई यार कुछ था क्या? अरे आराधी भाई क्या पता कौन सी चीज थी यार। अरे मत जाओ अंदर। हमारे पीछे थी क्या? अरे आपके बिल्कुल पीछे थी। अरे